तो ये क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। ये बोहर की अब बातचीत मत करो, बातचीत करो, करो आगे काम। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एंगुलर मोमेंटम, अब लिखो इसको, दिस इज फेमस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। फिर से एक बार हिंदी में इस चीज को, केवल वही एनर्जी स्टेट्स स्टेशनरी कहलाएंगी, केवल वही एनर्जी स्टेट्स स्टेशनरी कहलाएंगी जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है जी, केवल वही स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगी। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन मान लो किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है इसमें, तो आप कभी भी चेक करना उस चीज में, अगर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। एक बार, दो बार, तीन बार, m की वैल्यू आपको क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर कह लो आप इसको, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ठीक है ना। तो पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, तो l आएगा h अपॉन 2 पाई, यानी पहले शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई। दूसरी वैल्यू में 2 * h अपॉन 2 पाई, तीसरी वैल्यू में 3h अपॉन 2, एंगुलर मोमेंटम। हम इस चीज को तीन तरीके से कह चुके हैं। पहले क्या बोला था हमने, केवल वही स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगी जिसका शेल का पेरिमीटर या जिस एनर्जी स्टेट का सर्कमफ्रेंस, जो इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन के चलने के साथ क्या बनेगी वेव्स, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव्स बनेंगी, तो वेव का कैरेक्टर क्या होता है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बाद, ठीक है। ये बोहर ने बाद में एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन निकाली कि कम से कम जो जितने भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स में घूम रहे हैं, जिन्हें हम एनर्जी स्टेट बोल रहे हैं, जो स्टेशनरी हैं। रदरफोर्ड ने यही गलती करी, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, उसने कहा बस घूम रहे हैं, तो क्या कहीं भी घूम रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गिर पड़ेगा इसके अंदर आके, इसने बोला कि नहीं कहीं भी नहीं घूमेंगे, पहली बात तो कहाँ घूमेंगे इसके हिसाब से घूमेंगे, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एन एच अपॉन 2 पाई कितना होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और नीचे लिखो पोस्टुलेट्स, नीचे लिखो पोस्टुलेट्स, और इसको लिख लो रीड फ्रॉम बुक। ठीक है, चारों पॉइंट है, चारों बता रहा हूं क्या है। पहले वाले में है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, SL है तो उसमें है, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। चार पॉइंट्स दिए इसने, ये बेसिकली सारे लोग कर क्या रहे थे, ये एटम दिखता तो था नहीं, तो एटम को एनालाइज करते थे, बोले इलेक्ट्रॉन एटम कैसा हो, जैसे आपने शुरुआत में कहाँ से शुरू करा था, थॉमसन मॉडल से, थॉमसन मॉडल में आपने कहा जी तरबूज ज़्यादा दिखता है बीच फंसे में इसे, फिर आप रदरफोर्ड ने कहा नहीं नहीं स्टेशनरी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, फिर उसने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो कहीं भी घूमते रहते हैं, फिर उसमें भी गलती निकालती, फिर बोहर ने कुछ कंसेप्ट बनाए, फिर उसके हिसाब से बोहर ने अब तक की सारी स्टडीज को ध्यान रखते हुए अपना आइटम का मॉडल बनाया। तुम मुझे दिख नहीं रहा है, चीकू साइड हो जा उदित, हाँ थोड़ा सा, तो उसने अपना एटॉमिक मॉडल बनाया। अब पहला क्या एटॉमिक मॉडल बनाया उसने, उसने बोला कोर में क्या होता है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल स्टेशनरी ऑर्बिट्स में चक्कर काटते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर ही क्यों काट रहा है, कोई चीज़ गोल का घूमती है, देखो
जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा कॉन्सेप्ट में आ गया इसके? न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में। उसने कहा न्यू कैसा दिखता है, कैसा दिखता है? उसका एक पार्ट ये है कि उसमें बीच में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। क्यों चक्कर काट रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रखता अपनी तरफ? बांध के रखा हुआ तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो क्या दे रही है उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्वांटाइजेशन कंडीशन का है, जो अभी हम पढ़ के आए। कुछ नहीं है, ये लिखना है, बहुत कम रेयर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ। केवल वही स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगे। ये आप चार पांच बार बोल चुका है, इसको याद रखो, दिमाग में बोलते भी रहो। केवल वही स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगे, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स कहलाएंगे, जिसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बोर की एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन आ गई। ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट्स में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट्स में घूम रहा है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स में घूम रहा है, तो इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। इसका एक अलग पार्ट है, मैं समझाऊंगा दोबारा से। इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये तीन कंडीशन है। चौथी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कहीं से, जैसे कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे थे, कोई फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, क्या होता है वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइट हो गया ऊपर वाली शेल्स में चला जाएगा। अगर वो अंदर वाली शेल से और बाहर वाली शेल में चला गया, हर शेल के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसके साथ कुछ एनर्जी है, इसके साथ कुछ एनर्जी है, इसके साथ कुछ एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी होती है। मान लो इसके साथ एनर्जी कितनी है E1, इसके साथ एनर्जी कितनी है E2। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके साथ एनर्जी है मान लो 10, इसके साथ एनर्जी है 11। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से, हीट से, कहीं लाइट से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, एक एनर्जी मिल गई, कूद कर कहाँ चला गया, 11 में चला गया। लेकिन ये स्टेशनरी स्टेट थी और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ टिकेगा नहीं है, ये टिक नहीं पाएगा थोड़ी देर भी यहाँ पर, थोड़ी देर में ही एनर्जी को क्या करेगा, लूज कर देगा। एनर्जी जो लूज करेगा वो किस फॉर्म में होगी? कोई ना कोई फोटोन की फॉर्म में, जिस फोटोन का कोई ना कोई वेवलेंथ होगा। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा ये किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म के रूप में रेडिएट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इसकी लास्ट कंडीशन आती है, इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं। एनर्जी गेन करेगा तो बाहर की शेल में जाएगा, एनर्जी लूज करेगा तो अंदर वाली शेल में जाएगा। हमने वेव ऑप्टिक्स में एक जगह पढ़ा था, व्हाई डू वी यूज ओनली कोहेरेंट सोर्सेस, तुम्हें ध्यान होगा। उस टाइम हमने लाइट के निकलने का प्रोसेस डिस्कस किया था, याद है? नहीं याद? ये तो समस्या तुम्हारे साथ, पिछला कुछ पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें समझाऊंगे तुमसे ज्यादा। दो दो घंटे हम लोग लेक्चर तैयार करके आते हैं कि भैया समझाएंगे आज, तुम पिछले बार सारा साफ होता था। क्या पढ़ा था हमने वेव ऑप्टिक्स में? हमने पढ़ा था कि लाइट का एमिशन कैसे होता है, किस आर्टिकल में पढ़ा था मैं बता देता हूँ। क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस शो करते हैं? क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस करते हैं? उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने कहा था कि एक सोर्स ऑफ लाइट ये रहा, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट कैसे होता है, लाइट एमिट कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूम रहे हैं, एनर्जी गेन करी, किसी शेल में चले गए, ऊपर वाली में किसी शेल में चले गए, एनर्जी गेन करी शेल में, बाहर वाली में चले गए। अब ये कौन सी स्टेट आ गई? एक्साइटेड है। अब ये वहाँ टिकेंगे तो है नहीं, जब ये वापस आएंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी 12, इसकी एनर्जी 9, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो एनर्जी रेडिएट करेंगे।
एनर्जी रेडिएट करेंगे। ये एनर्जी मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, मान लो माइनस में होती है वैसे लिख रहा हूँ, मान लो 12 से किस में आ गया 9 में, तो ये जो 3 ईवी की एनर्जी है ये क्या कर दी उसने, रेडिएट कर दी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू न्यू। क्लास में बैठे फोन चलाओगे तो बेटा यही नंबर आए, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू। आपको एनर्जी का डिफरेंस तो पता लग गया, इससे क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। अब अगर ये वेवलेंथ 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई तो विजिबल लाइट होगी, नहीं तो कोई और सी लाइट होगी, इंफ्रारेड होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, कुछ और होगी, है ना। ये हमने उसमें पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स में कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी इंटरफेरेंस शो नहीं करते, ऐसा नहीं लिखा हमने, शो करते हैं लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न कितनी फ्रीक्वेंसी से बदलता है, 10 की पावर 8। वो फ्रीक्वेंसी पैटर्न, ये तो टाइम लिख दिया मैंने, कितना तेजी से बदलता है, 10^8 टाइम्स पर सेकेंड। आपकी आंखें इसको पढ़ ही नहीं पाई, आपकी आंखें तो दो बल्ब है, इंडिपेंडेंट बल्ब है, यहाँ से भी लाइट निकल रही है, यहाँ से भी लाइट निकल रही है, मिलियंस ऑफ एटम्स है, इसमें भी मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, वो सारे कब एक्साइट होंगे और कब डी एक्साइट होंगे, एक साथ होंगे, पता नहीं कौन से वाले कब एनर्जी मिल जाएगी, कब एक्साइट होगा, कब डी एक्साइट होगा, तो सब रिदम में तो चलेंगे नहीं, जब रिदम में नहीं चलेंगे तो कोई कभी नीचे आ रहा है, कोई कभी नीचे आ रहा है, फेज डिफरेंस तो कोई कॉन्स्टेंट होगा नहीं। हमने क्या कहा था, इंटरफेरेंस, एक और वर्ड लिखा था उसमें, क्या, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब ठहरा हुआ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ठहरा हो, उसके लिए दो कंडीशन चाहिए होती हैं आपको। सबसे पहली चीज, कोहेरेंट सोर्स जब लाइट निकालती हैं तो कैसे निकालती हैं, कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस के साथ, और आपकी लाइट फेज डिफरेंस को कंट्रोल नहीं कर सकती कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन कब गया कब वापस आया, कम से कम में आ रहा तुम लोगों को रहने में, पिछला कुछ भी नहीं करके आए हो। आगे चलता हूँ, चार कंडीशन समझ में आ गई, चार कंडीशन में पहली क्या थी, न्यूक्लियस वाली, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काट रहे हैं, पहली वाली वही आ गई, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहला, दूसरा MVR इज इक्वल टू NH/2π, तीसरा कि जब तक वो इस स्टेशनरी स्टेट में घूमेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और चौथा जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा शेल्स में H2 E2 - E1 विल बी गिवन आउट एज H2, ठीक है, ये था। आगे लिखो, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम क्या क्या निकालने वाले हैं बता देता हूं, हम ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे, ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे ऑर्बिट का, एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देखते जाना कैसे हो रहा है, आराम से, बहुत ही आसान चीज। हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियस ले लिया, ठीक, एक बाहर शेल ले लिया। बोहर की थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स तक ही सीमित है, ये इसके ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बोहर की थ्योरी आप किसी में भी लगा दोगे, सोडियम में भी लगा दोगे और क्लोरीन में भी लगा दोगे, ये एक इसकी लिमिटेशन है कि बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो समझा पाई लेकिन और उससे ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर तो उसमें से जो स्पेक्ट्रम निकलते हैं वहाँ ये कामयाब नहीं। सुन लेना, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, जेड, चार्ज कितना हो गया, जेड, बाहर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या है, ये बात समझ में आती है, परसों भी करा था हमने, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, और ये किसके बराबर है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये परसों भी हम कर गए आते तो ब्लैंक हो ना, चक्कर ये समझ में क्या आएगा तुम, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, बोल दो प्लीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, बढ़िया, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। क्यू वन माने जेड ई, क्यू टू माने ई, और इस रेडियस ऑर्बिट का रेडियस आर, आर क्या है ऑर्बिट का रेडियस, यहां से आर निकाल लो, एक आर तो कैंसिल हो गया, तो आर आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर वन डाल, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल। अभी एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन पढ़कर आए हो, एन एच अपॉन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, यहां से भी आर निकाल, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही है दोनों बार, आर तो सेम ही है, आर तो सेम ही है, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम वन एंड टू, एन एच अपॉन टू पाई एम वी ठीक है जी, यहां से वेलोसिटी निकाल लो, इसे मास तो कट गया, एक वी भी कट गया, तो वी का फॉर्मूला बना के, सॉरी के पहले लिख देता हूं, टू पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन, जो सारी चीज सॉल्व करिए ना ध्यान से देखो, के तो खुद एक कांस्टेंट है, टू पाई भी कांस्टेंट है, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एक एलिमेंट के लिए, जेड की हाइड्रोजन की लेता हूं तो जेड की वैल्यू कितनी, वन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये क्या आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वी घटता जाएगा, V is inversely proportional to N. लिख लो, V is inversely proportional to N. All other factors जो इसमें दिखाई दे रहे हैं सब constant है। अब इस V की वैल्यू को ना यहां पुट कर, इस V की वैल्यू को यहां पुट कर, करो जरा प्लीज, इस v की वैल्यू को यहां पुट कर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन टू, तो क्या बनेगा, r इक्वल्स टू nh अपॉन टू पाई m, और v की जगह ये डाल, k इंटू टू पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन n, तो R का फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर, ये दोनों ऊपर जाएंगे ना, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर और n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक है। आप देखिए एक पर्टिकुलर आइटम के लिए सभी चीजें कांस्टेंट हैं, तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, यानी अगर मैं ऑर्बिट्स की बात करूं तो ऑर्बिट्स के रेडियस का क्या रेशियो है, एन की जगह वन डालो, एन की जगह टू डालो, एन की जगह थ्री डालो, एन की जगह फोर डालो, एंड सो ऑन। अगर मैं वैसे ही यूनिट लगा दूं इसमें, तो पहला रेडियस
गलत बोल रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर नहीं होता, मैं बोलने के लिए बता रहा हूँ। पहला ऑर्बिट कितनी दूर न्यूक्लियस से, 1 सेंटीमीटर पर, अगला 4 पे, अगला 9 पे, अगला 16। यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन भी कुछ खास ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसके रेडियस का ये रेशियो दिखाई दे रहा है। ऑर्बिट का रेडियस है, ऑर्बिट का रेशियो 1496। ठीक है, पीछे कुछ ना समझ में आया हो तो बता दो, अभी बता दो। अच्छा, यहीं से कुछ और सामान निकलने वाला था हमारा, ये कहाँ है, kz2 / ये देखो, जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, एम वी स्क्वायर तो है ही, हाफ ही तो लगाना है, हाफ यहाँ लगा दो, हाफ यहाँ लगा दो। आ गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, याद कर लेंगे यहाँ से। देखो आर आपने लिखा के जेड स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, हाफ यहाँ लगा दो, हाफ यहाँ लगा दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, के जेड स्क्वायर अपॉन, ध्यान रखिएगा कुछ भी हो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, याद ही रहा इसमें। लिख लिया ना सारा, तो हटा दूं यहां से, ये हटा दूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, अपॉन के जेड स्क्वायर अपॉन आर, है जी। और अगर मैं इसमें साइन भी डाल दूं साथ में तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, और आनी भी चाहिए, क्यों आनी है चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, जब बाउंड सिस्टम होता है, याद आया, बाउंड सिस्टम होता है। बाउंड सिस्टम क्या होता है, अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है। जैसे पिछले साल आप पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती थी, माइनस जी एम एम बाय आर, एम वन एम टू बाय आर, क्या नया आ गया, ये भी तो वही आ रहा है, के मास की जगह क्या आ गया, एक चार्ज दूसरा चार्ज बाय आर, वहां बस के की जगह जी होता था, चार्ज की जगह मास होता था। तो यहाँ क्या कर रहे हो, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, अब की और पिछली बार भी नेगेटिव होती थी वो, ध्यान रखना, पिछली बार भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैसी होती थी, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, हमेशा माइनस आएगी, तो ये भी माइनस में है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ध्यान से देखूं, इन दोनों को लिख ही दूं क्या, माइनस ही कर देता हूं, माइनस लगाएंगे, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर लिख लो। इन दोनों में सिर्फ इस हाफ का ही तो फर्क आ रहा है, और अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दो, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दो, कितनी आएगी, सुनो अब ध्यान से, एक मिनट देखोगे, एक मिनट बस, एक मिनट, ये तुमको मैं ऐसे लिख लेता हूं, और ये इसको क्या लिख लेता हूं, वही चीज लिखी हुई है सब कुछ, ये कितना है हाफ, ये कितना है माइनस वन, माइनस वन में हाफ जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर, रंगी ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, आनी भी चाहिए बाउंड सिस्टम, ठीक है। अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन याद करने होंगे तो क्या करेंगे, क्या कह रहे हो, नहीं मुझे मतलब ये पता होगा काइनेटिक एनर्जी पिछले साल भी करते थे आप, पोटेंशियल एनर्जी है, काम ही पोटेंशियल एनर्जी है, ये
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यही है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दूं तो क्या बनता है, बाकी तो कटी गया, बाकी तो कटी गया, तो हमारे पास क्या आया, आया कि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स टोटल एनर्जी। ये रिजल्ट्स डायरेक्ट काम आएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे, इतनी एनर्जी है या इतनी काइनेटिक एनर्जी है, बाकी सब कुछ निकालो, इतना सा याद करना। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में बताना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है और टोटल एनर्जी कितनी है, तो माइनस वन आ गया। अरे फॉर्मूला भी तो सेम ही है, जरा देखना जरा, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी केवल एक हाफ माइनस का ही तो फर्क आ रहा है, इन दोनों को आदित्य देखो पीछे वाला बच्चा, ये हाफ आ रहा है ये माइनस हाफ आ रहा है, इतना ही फर्क है बस दोनों में। इसका मतलब टोटल एनर्जी को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कर लोगे ना। अरे मुश्किल लग रहा है क्या, चलो अब अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो कितना आएगा वो भी लिख लो एक बार। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला आया था काइनेटिक एनर्जी का, नहीं ऐसे नहीं, क्या कह रहे हो, नहीं मैं आर की वैल्यू डालना चाह रहा था, चलो नहीं कर लेते, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर, आर का एक्सप्रेशन क्या था बोलो जरा, ये रहा देखो जो चीजें कटती है कट काट दो ऊपर नीचे करके आंसर निकालो। कैंसिल हुआ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा, और बस माइनस के स्क्वायर तो नहीं आता, के स्क्वायर आता है माइनस का के स्क्वायर, और क्या है ई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर एम अब ठीक है, देख लेना कुछ मुश्किल हो रहा है, टू बार आएगा, अच्छा ये टू काटा जाएगा। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रल एक बार एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फटाफट पूछो कि क्या पीछे वाला समझ नहीं आया, देख लो एक बार सारी चीज़, एक मिनट लगेगा, 20 सेकंड्स प्लस, फटाफट जल्दी करो। जो पार्ट समझ में नहीं आया बताओ फटाफट, क्या नहीं आया, क्या दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी आपने इसमें अब तक, एक बार रिवाइज करा दो। एक आपने पढ़ा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N
आर इज मोशन एम स्क्वायर है, कैसे पता लगा? और रेशो क्या आया था? देख के पढ़ा है, 1 1 4 9 16 का रेशो आया था ना बस। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, नेगेटिव नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, कंफर्म है ना? नेगेटिव आएगा ना भैया, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ऐसी गलतियां कभी मत करना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती ही नहीं है। क्या तो बताओ, के जेड स्क्वायर बाय 2 आर माइनस प्लस, पोटेंशियल बोलो, सेम कर सकते हैं। और रिलेशन भी याद कर लो एक बार, बोलो बराबर क्या था? एक तो काइनेटिक और टोटल एनर्जी का तो बड़ा आसान है, सेम है दोनों, बस एक माइनस का फर्क है, फॉर्मूला सेम आ रहा है। और क्या था रिलेशन? U is equal to 2, दोनों नेगेटिव है, बाउंड सिस्टम है, दोनों नेगेटिव है, अट्रैक्शन की फोर्सेस। Z क्या? Z क्या है मिस्टर? एटॉमिक नंबर, किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे देखो, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, व्हेन एवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, अ हायर एनर्जी लेवल n2 स्मॉल n, हायर एनर्जी लेवल n2 तो लोअर एनर्जी लेवल n1, कॉमा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल n2 टू लोअर एनर्जी लेवल n1, कॉमा द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या लिखवाना चाहिए? भूल गया मैं जल्दी बताओ क्या लिखवाना चाहिए? नहीं, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन, वो तुम्हारा ही आएगा, इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन। Is released in the form of a photon of frequency nu. So E2 minus E1 is equal to h nu. वो एनर्जी का एक बार फॉर्मूला देखो, अभी आपने ऊपर लिखा, आपकी तो कॉपी में ऊपर ही है, क्या था? 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को यहां रखो, देखना ठीक लिखा है क्या, कह रहे हो माइनस रह गया, तो माइनस को मैं अंदर करता हूं, तो एक काम करता हूं स्क्वायर से कर लेता हूं, अंदर वाले साइन बदल दिए तो माइनस गायब कर दो, तो n1 square minus n2, ये सब 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो वेव नंबर आया था, वेव नंबर ही निकालना, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता? वेरी गुड वेरी गुड, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2π² m k square z square e4 upon h cube और 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू, कौन से शेल से कूद कर वापस आ रहा है? एन टू से, किसमें? एन वन में आ रहा। अच्छा, अब हमें वेव नंबर बताना है, वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर होता है? क्या फॉर्मूला था वो? वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा,
तो लैम्डा हो गया बी बाय म्यू। ये फोटोन निकलता है तो फोटोन कितनी स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से, तो वी की जगह क्या डाल दूं, सी बाय म्यू। मुझे यहाँ पहुँचना है, पहुँचाओ फटाफट। लैम्डा की जगह क्या डाल दूं, सी बाय म्यू। यहाँ से कैसे पहुँचोगे, सी बाय म्यू करना है। अरे एक सी यहाँ लगा दो, एक सी यहाँ लगा दो, लगा दिया। ये न्यू बाय सी किसके बराबर है, वन अपॉन लैम्डा। एक सी यहाँ लगा दिया, एक सी यहाँ लगा दिया, न्यू बाय सी। इस न्यू को ऊपर ले जाओ ना यार, ये न्यू बाय सी किसके बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह हटाकर क्या लिख सकता हूँ, वन बाय लैम्डा। और इसी को क्या कह रहे हो आप, वेव नंबर किसके बराबर आ गया, टू बाय स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन सी एच क्यू, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन। तो भी इसको क्या कहते हैं, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। आर का वैल्यू होता है ना कुछ कितना बोलो, 1.07 नहीं आ रहा, 1.07931 इंटू 10 के बाद 7 देखो, 1.09730 इंटू 10 के पावर 7 पर मीटर, 1.0973 इंटू 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे खूब सारे। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, सबसे सिंपल। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, लेकिन इतनी कैलकुलेशंस नॉर्मली नहीं आती है। इतनी देर में हमने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंडीशन पढ़ी है, क्या अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग रेडियस के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या खास बात है कि इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए एन एच अपॉन टू पाई। इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से जो वेव निकलेगी उसका वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल सर्कमफ्रेंस के बराबर आना चाहिए, ये हमने पढ़ लिया। और तीसरी कंडीशन में बड़ी फ्रीक्वेंसी कंडीशन कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में से कूद कर यहाँ आएगा, क्या जरूरी है यहीं आएगा, हो सकता है पड़ोस वाले में आ जाए, हो सकता है दो शेल छोड़ के आए, हो सकता है एक शेल में ही आए। अब ये जब तो हमने डिसाइड कर सकते हैं कितनी एनर्जी लूज करेगा भाई यहाँ से। अब यहाँ पर चार पांच शेल है मेरे पास, इसकी एनर्जी है E1, इसे ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, E3, E4, E5। अब मान लो यहाँ से कहाँ जंप लग सकती है, ट्रांजिशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ट्रांजिशन तो कहीं भी हो जाएगा। N2 कौन सी वाली ऑर्बिट है जिसमें से आ रहा है, और N1 कौन सी है जिसमें आगे गिर रहा है, यही तो हो रहा है। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी इनका डिफरेंस लेंगे तो किसका क्या करेगा आपको वेवलेंथ, ये किसकी वेवलेंथ है जो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद कर आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगा, और वो रेडिएशन का कोई ना कोई फोटोन निकलेगा, कोई यूवी लाइट का फोटोन निकल आएगा, कोई IR का फोटोन निकल आएगा, कोई किसी और चीज का फोटोन निकल आएगा। तो वो फोटोन को पहचानोगे कैसे भाई, फोटोन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय h या hc बाय लैम्डा, यही तो पढ़ते हो। किसी फोटोन को पहचानोगे कैसे, इंफ्रारेड का है, तो आप पूछोगे वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ को देखे बताओ तो पता लगा लेंगे कौन सा, तो वेवलेंथ निकालने का तरीका आ गया, इसी के ऊपर निकल आएंगे। मैं दो चार चीजें लिखवा रहा हूँ, लिखो आगे।
इतनी तरह की सीरीज पढ़ी थी आपने जब इस ट्रांजिशन के हिसाब से पांच। अब लाइमन सीरीज में कहां से कहां आता है याद है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटा बच्चा भी सीख ले, कुछ नहीं है, इतना तो पता लगे इलेक्ट्रॉन बाहर से खुद के अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो कहां जाएगा बाहर आउटर शेल्स में जाएगा, लूज करेगा तो कहां आएगा अंदर, तो एनर्जी लूज करेगा तो क्या निकालेगा फोटॉन्स, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पहचाननी है पता लग जाएगा कौन से वाले, ठीक है। तो पहला लाइमन सीरीज आ गया, लाइमन सीरीज में यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से दो से तीन से चार से पांच से छह से जो सभी एक्साइटेड स्टेट है वहां से कूद कर अगर ग्राउंड स्टेट में आ गया n इक्वल्स टू वन में तो कौन सी सीरीज में आएगा, लाइमन सीरीज में आएगा। कौन सी लाइट निकलेगी, कौन से फोटॉन्स निकलेंगे, कौन से फोटॉन्स निकलेंगे लिखो, अल्ट्रावायलेट। याद रखना इसकी डेफिनेशन रखने से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मैं पूरा पूरा चपका दूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू, समझ में आ गई कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कोई सी भी आउटर शेल से कूदकर अंदर आ जाए, दो से एक में आ जाए, तीन से एक में आ जाए, पाँच से एक में आ जाए, छः से एक में आ जाए, कहीं से भी आ जाए, अगर वो पहली शेल में गिर रहा है आके तो जो फोटोन रिलीज करेगा वो किस रेंज में आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेंज में आपको दिखेंगे, आपको दिखेंगे शाहरुख खान अल्ट्रावायलेट रेंज वाले आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं दिखती है, वो दिखती है उसको देखो, देखिए ये वायरस वाले कुछ भी देख लो तो भाई अल्ट्रावायलेट भी लेकर मधुमक्खी की आंखें दे रही, अल्ट्रावायलेट रीजन में कैसे देखता थी, लिखो आगे बामर सीरीज, कुछ भी हो सकता है भाई आजकल, अभी पता नहीं कौन सी कंट्री में आज सुबह पढ़ रहा था, और पूरी फैमिली ऐसे हो चार पैरों पे चलती है, और साइंटिस्ट उसके ऊपर शोध कर रहे हैं बचपन से ही चार पैरों पे चलते हो जानवरों की तरह, कह रहा है ये क्या हो रहा है, एवोल्यूशन की जगह डेवोल्यूशन हो रहा है, मतलब आगे को बढ़ने की जगह पीछे हो जा रहे हैं, हमारी बाइपेडल फॉर्मेशन है दो पैरों में चलने वाले प्राणी हैं तो चार पे चलते हैं अभी, और पर्शिया में है शायद पता नहीं कहाँ पे, साइंटिस्ट लगे हुए पीछे बोले यार ये क्या हो गया, ये कैसे दोबारा से, चलिए बामर सीरीज अब सारे आसान है, और कौन सी थी, लाइमन सीरीज बामर सीरीज उसके बाद ये चार सीरीज आएंगी मेरे पास, अगर n इक्वल्स टू वन में गिर गए तो ये, कहीं से भी आके n इक्वल्स टू टू में गिर गए तो ये, थ्री में गिर गए तो ये, फोर में गिर गए तो ये, फाइव में गिर गए तो, बस इतना सा, इनमें से कौन कौन सी अल्ट्रा वायलेट निकलेगी, और हाँ बढ़िया बता दी तू, पहला तो तुमने बता दिया, इतना ही है जो अब हम लिखने वाले हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस और सीरीज के आगे कौन सी लाइट आ गई, यानी अगर फर्स्ट एक्साइटेड में जाओगे n इक्वल्स टू टू में, n इक्वल्स टू टू में जाओगे केवल तभी विजिबल लाइट निकलेगी, बाकी कोई सी भी लाइट आपको नहीं दिखेगी, एक आध को छोड़ दो तो बाकी हमें तो नहीं दिखेगी, कुछ लोग देख लेते हैं, पहले तो मना किया था, अच्छा मतलब मैं थोड़ा जोड़ दूंगा तो तू कुछ भी देख लेगा, ये भी ठीक है,
थोड़ी देर ही ऐसा रहता है तुम लोगों को। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा आउटर शेल से इनर शेल में, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा वो फोटोन की फॉर्म में निकलेगा, और फोटोन की फॉर्म में निकलेगा तो फोटोन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ से हम फोटोन को पहचान लेंगे कि किस रेंज में आ रहा है, विजिबल है, यूवी है, आईआर है, कौन सा। ठीक, एक क्वेश्चन लिख लो, असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर एनी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम में बहुत स्कूल में भी कई बार मिस कर देते हैं इस चीज को, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2 से 3 बार इसकी, कि एच अल्फा लाइन निकालो, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एच अल्फा लाइन, ऐसे ही ये एच बीटा लाइन, एच कॉमन, क्या कह रहे बोलो, ठीक है, और फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए डालो,
पहली शेल के लिए जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पड़ोस वाली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के का वही वैल्यू जो आप पहले यूज करते थे, जेड वन आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया 1.6 × 10⁻¹⁹, एन वन डाली दिया, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आ गया, सारी वैल्यू डाल दिया। जब हमने सारी वैल्यू डाली तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला आता है, एन इक्वल्स टू वन बाद में डालते हैं, जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है −13.6/n² ev। सारी वैल्यूज डाल दो इसमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, z की वैल्यू डाल दो, k की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू डाल दो, तो −13.6/n² ev। अब पहली शेल में कितनी एनर्जी होगी, इसे आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हो, n1 आ गया, इस पर नजर मत छोड़, हटाना, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। दूसरा बताइए, −13.6/2² कितना आएगा, −3.4, −3। अगर याद कर लो तीन चार वैल्यूज तो उसमें बुराई नहीं है, न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होगी, नहीं तो हर बार निकालना पड़ेगा। अगला −1.51, −0.85, ये चार भी हो गए तो काम चल जाएगा, आगे मत जाओ बोले इसके। हाइड्रोजन में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, एनएच शेल में, तो उसकी एनर्जी कितनी है, −13.6/n². अब बिल्कुल न्यूक्लियस के बराबर वाला जो शेल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से बोल रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, −13.6। बाहर जा रहे हो, बढ़ रही बढ़ रही है, बाहर जा रहे हो, बढ़ रही बढ़ रही है, बढ़ रही है भाई, एनर्जी को फॉर्मूला जाना, अच्छा घट रही है बढ़ रही है एनर्जी, कैसे पता दीपांशु, कैसे पता बढ़ रही है, अरे सामने दिख रहा नंबर, देखो −13.6 बढ़ा है या माइनस ये बढ़ा है, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला बढ़ा है तो फिर एनर्जी बढ़ गई ना। एक और चीज देख रहे हो, एक वैल्यू दे रहा है आपको, वैल्यू दे रहा है तो मतलब एक ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कोई रेंज नहीं दिया आपको इसने कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, नहीं। जिस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है −13.6, उसके बाहर वाले में इतनी, उसके अगले वाले में इतनी है, तो उसके अगले वाले में इतनी, तो फिक्स्ड एक इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन के, भैया उसने डेफिनेट एनर्जी फिक्स कर दी हर शेल के साथ कितनी कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी, ये केवल किसके लिए, हाइड्रोजन के, ध्यान रखिएगा केवल हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर वन डाली, ठीक है। एक और चीज लिख लो इसमें, रीड लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी फ्रॉम द बुक, रीड ठीक है, ये सब सारा केमिस्ट्री के पार्ट है, इसमें जाननी है, सुनो ध्यान से, ये जो n इक्वल्स टू वन है, ये ध्यान रखना, और इसके ऊपर की जितनी भी हैं, n2 है, n3 है, n4 है, वो सब क्या कहलाती है, इसे लिख लेना, ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी नहीं मिली तो वो इतनी एनर्जी लेकर इस शेल में घूमता रहेगा, लेकिन अगर कहीं से एनर्जी मिल गई तो कितनी मिली इस पर डिसाइड करता है कि यहाँ कूद के जाएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, और इसमें तो इतना सोचना ही नहीं था, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पहली शेल में से निकलकर फोर्थ शेल में कब जाएगा,
जब एनर्जी गेन करेगा इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी लूज करेगा तो वापस जाएगा, इसमें तो इतना लंबा चौड़ा सोचने कोई नहीं। जब एनर्जी गेन करेगा तो कौन सी चर में जाएगा, बाहर की तरफ, और लूज करेगा तो गेन करेगा तो बाहर जाएगा, गेन करेगा तो बढ़ गई तो बाहर वाली शेयर में कूदा है। ये कौन सी स्टेट्स है, सारी एक्साइटेड है, और ये वाली कौन सी ग्राउंड स्टेट, जिसकी ग्राउंड स्टेट नॉर्मल स्टेट भी बोलते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन इसमें बुक में लिखा होगा, पूछ कर एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट लूज होती है। और क्लियर कट बात करो, स्पष्ट बोला करो कि ये एक्साइटेशन एनर्जी नाम से नहीं पता लगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को E1 से कूदा के E2 में ले गए, एक्साइट कर दिया ना, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में ले गए, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो क्या है, एक्साइटेशन। देखो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम रात में घुसे रहते हो, सीधे बैठा तो आंखें घुसी रहती हो, सब कमजोर हो गई आंखें, फिर ये क्या होता है, बुढ़ापा आ गया, लिखो आगे कहीं नहीं। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो किसकी, हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, E2 - E1, E2 कितना आया था, कितना आ रहा है, एक्साइटेशन। तो वो कई बार क्या करेगा, ये नहीं कहेगा E2 E1, वो कहेगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालो। क्या लिखेगा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी में अभिनव, अभिनव शर्मा बोलते नहीं आप, वेरी गुड, E3 - E1। ठीक है, ये सेकंड एक्साइटेशन फर्स्ट एक्साइटेशन ऐसे आएंगे, यही नाम से आएंगे क्वेश्चंस, अल्फा एच अल्फा एच बीटा एच गामा, सीधे सीधे नहीं पूछते वो लोग, फर्स्ट एक्साइटेशन सेकंड एक्साइटेशन। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब पहली बिल्कुल नेबरिंग वाली, सेकंड एक्साइटेशन एक छोड़ के अगले वाले, और क्या लिखो, नेक्स्ट लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ भाई मनीष क्या होती है, बिल्कुल ठीक बोला, क्या आनी चाहिए इसमें, क्या लिखू मैं, अनुष्का शर्मा, हाँ जी, ओह मैंने गलत लगा दिया, हाँ जी बताइए, हाँ ये आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में से निकाल के कहाँ फेंक दोगे, इन्फिनिटी पे, जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्यों कह रहे हैं इसको, हाँ भी दिल्ली पुलिस, आयोनाइजेशन क्यों कह रहे हैं इसको, अरे जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, आयन बनेगा, और क्या करना है, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, क्या माइनस क्या जी,
E1 माइनस E इनफिनिटी। अब तक जब भी तूने निकाला तो हमेशा तूने E1 माइनस E2 कराया या E2 माइनस E1 कराया? ठीक है जी। अरे एक बात बताओ, पिछले साल वो नहीं पढ़ते थे तुम लोग, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट क्या फॉर्मूला था? माइनस G1 बाय 2R, यही था ना एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला? याद दिलाओ, ये था एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट की एनर्जी का फॉर्मूला। अब की बार तो यही पढ़ा है, के Q1 Q2 बाय 2R, अभी भी तो यही लिख के आए हो, माइनस करते हो। अगर आपने इसमें इतनी ही एनर्जी और जोड़ दी तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाने वाली? यही तो होगा। अब आपको क्या करना है, ये इन्फिनिटी कितना करना है, कितना आ गया? पहले भी तो यही कर रहे थे आप, इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा कि भाई एनर्जी खत्म कर दो, जीरो कर दो, एनर्जी खत्म हो गई, बना जाएगा वहां। भाई बंधा हुआ किस लिए? बंधा हुआ है ना, बांधा हुआ है, आपने कहा साइंटिफिक उससे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बांधा हुआ है आप, जितनी एनर्जी उसके पास है उसकी गायब कर दो एनर्जी, तो जितनी एनर्जी लेकर घूम रहा था उसको तो नहीं और ऐड कर दिया। ये क्या होती थी उस टाइम, इसे कहते थे बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट में पढ़ते थे आप। ये आ गया मैं +13.6 ईवी। एक आता एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये भी लिखिएगा, नाम से नाम को पढ़ो तीन बार, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइट, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एक से दूसरी चाल में पहुंचा दे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, नाम से पता लगता है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं, आपने कहा था हीट दे देंगे, आपने कहा लाइट डाल देंगे, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आ जाएगी, खुद की छोटी शेल से किसी और शेल में चला जाएगा। इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच इज गिवन टू ए बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं बुक की लैंग्वेज नहीं लिखा, मजा नहीं आ रहा, ऐसे लिखो, इट इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स सफिशियंट एनर्जी, विच गिव्स सफिशियंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम, to excite the target atom by raising one of its electron from inner orbit to the outer orbit. Excitation potential of hydrogen. Oh, electron is there. E2 minus E1. Energy नहीं लिखेंगे बस अब. Energy के साथ E भी लगा देंगे. जो एनर्जी आप ईवी में लिखते हो उसको भी तो डिफाइन करो ना एक बार, ये क्या है, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, ठीक है ना?
तो क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करोगे तो बंधन आया था ना हमने पहले, सबसे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। अगर मैं इसमें से हटा दूं तो सिर्फ यही तो बचता है, यही तो बचता है इसके अंदर से। हमारे पास हमने ई को हटा दिया, उसमें से ई माने चार्ज होने में इलेक्ट्रॉन। अगर ई हटा दूंगा तो सिर्फ क्या चीज आ जाएगी मेरे पास, बस हमें क्वेश्चन कराऊंगा इसके बहुत सारे। अरे वो पिछली बार कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एनर्जी इन ईवी, ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर में, करा तो हमने पिछले वाले में था ही, बहुत काम आएगा। ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन था, क्योंकि बार बार क्या होगा शेल से इलेक्ट्रॉन्स को टूट के आएंगे, बार बार फोटोन निकलेंगे, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं सर और सारे एक से ही ऑलमोस्ट। लिखो पता है दिखता है, परसों इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे।